दोस्तों हम बन रहे हैं वोकल फॉर लोकल और सपोर्ट कर रहे हैं इंडियन स्टार्टअप्स को। सो उसी के तहत आज मैं दो ऐसे ऐप जो कि वर्ल्ड के दो बहुत बड़े ऐप फेसबुक और यूट्यूब को रिप्लेस कर सकते हैं, ऐसे ही दो ऐप्स इंडिया में लॉन्च हुए हैं इस वीक, तो उसके बारे में मैं आपको बात करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि आपको वो ऐप्स यूज करने चाहिए और कैसे हैं वो ऐप। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे, तो गाइस साथ में बने रहना और पूरा वीडियो देखना। गाइस जिन दो ऐप्स की मैं बात करने वाला हूँ वो ऐप्स हैं, एक है हमारा एटीओ प्ले जिसे रंगीला ट्यूब ने लॉन्च किया और ये YouTube के कंपैरिजन में आया है, और दूसरा है हमारा IAM ON एक सोशल मीडिया ऐप है जो कि Facebook टाइप का है। सो इन दोनों ऐप्स के बारे में बात करेंगे, बट आगे बढ़ने से पहले गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट और साइड में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना, इससे आप फ्यूचर में मेरे किसी भी वीडियो के या पोस्ट के नोटिफिकेशंस को मिस नहीं करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पहले IAM ON सोशल मीडिया ऐप के बारे में। सो गाइस IAM ON जो सोशल मीडिया ऐप ऑलरेडी 50,000 से ज्यादा प्ले स्टोर पे डाउनलोड्स हो चुके हैं और ये ऐप रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है तो काफी तेजी से बढ़ रहा है। जैसे इनके ऐप आइकन पे हम क्लिक करते हैं और जाते हैं इनके होम पेज पे, तो होम आइकन देखने में काफी अट्रैक्टिव लगता है और बहुत सारे फीचर्स से लोडेड दिखता है। जैसे ही हम किसी पे क्लिक करते हैं तो एक साथ आपको इतने सारे फीचर्स दिख जाते हैं कि आपको लगता है कि सच में ये कम्पीट कर सकता है फेसबुक के साथ में। बट सिर्फ फीचर से कुछ नहीं होता है इन्हें साथ में कम्पीट करने के, क्योंकि फेसबुक सब जानते हैं कोई छोटी कंपनी नहीं रहेगी, एक बहुत बड़ी कंपनी है, और फेसबुक के साथ कम्पीट करने के लिए इनको भी काफी कुछ इनोवेटिव करना पड़ेगा और विद टाइम अपने आप को काफी ज्यादा सुधारना पड़ेगा। बट फर्स्ट इंप्रेशन मुझे काफी पसंद आया, मेरी भी आईडी बनी है इस पे, आप क्लासी इंडियन के नाम से आईडी मेरी देख सकते हो और क्लासी इंडियन का पेज भी आपको इस पे मिल जाएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग मुझे वहां फॉलो कर सकते हो, मैं वहां पे भी कंटिन्यू कुछ ना कुछ पोस्ट करता रहता हूं। तो आप लोग जाइए इस ऐप को डाउनलोड करिए, अपने फोन में रखिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप फेसबुक अनइंस्टॉल कर दिए, फेसबुक का अकाउंट डिलीट कर दिए, बट फेसबुक के साथ में आप इसे भी यूज करिए, इसे भी अपने मोबाइल में रखिए, इस पे भी अकाउंट बनाइए, अपने फैमिली फ्रेंड्स को बनवाइए इस पे अकाउंट, तो धीरे धीरे हो सकता है आपको भी पसंद आना शुरू कर ले। सो होप गाइस ये आप समझ गए होंगे कि IAM ON ऐप कैसा है। अब बात करता हूं मैं नेक्स्ट रंगीला ट्यूब यानी कि एटीओ प्ले रंगीला ट्यूब ने लॉन्च किया जो कि यूट्यूब का रिप्लेसमेंट कह सकते हैं। बट गाइज मैंने इसको पर्सनली यूज किया है, आप मेरा अकाउंट उस पर सर्च कर सकते हो, बना हुआ है क्लासी इंडियन के नाम से अकाउंट है मेरा उस पर, और मेरे कुछ वीडियोस भी उस पर पड़े हुए हैं, तो आप वीडियोस को देख सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। बट मुझे अकाउंट बनाए हुए टाइम हो गया है, उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा और रंगीला ट्यूब के सिर्फ 1,000 डाउनलोड्स अभी तक हुए हैं। सो गाइस अगर इन्हें अपने ऐप को पॉपुलर करना है तो उन्हें एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा अपने ऐप का, एडवर्टीज करें अपने ऐप को, प्लस उसको थोड़ा सा डिफरेंट बनाने की कोशिश करें। सिर्फ यूट्यूब को देख करके यूट्यूब को कॉपी कर लिया, कहते ना एक बच्चे की राइटिंग अच्छी होती है एक बच्चे की राइटिंग गंदी होती है, बच्चे दोनों अच्छे होते हैं, बट कम से कम आपने बनाया तो राइटिंग तो अच्छी रखते हैं, मेरा मतलब है इनके फॉन्ट के साथ में। सो इनका जो होम पेज है वो भी काफ़ी अनअट्रैक्टिव लगता है, सो आप कॉपी कर रहे हो तो कम से कम थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करो उसको। जो आपने फॉन्ट्स तक इन्होंने यूज़ किए फॉन्ट्स भी काफ़ी अच्छे नहीं हैं, इसके बारे में इतना इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद YouTube पे हूँ तो मैं YouTube से कंपेयर कर रहा हूँ इसको, तो YouTube के मामले में अभी कहीं नहीं है, बट विद टाइम डेफिनेटली अपडेट्स अगर ये देते रहें तो ये काफ़ी ऊपर ऐप जाएगा, इसीलिए मैंने अभी से उस पर अपना अकाउंट बना लिया है और अपने वीडियोस डालने शुरू कर दिए उस पर। विद टाइम अगर ये पॉपुलर होता है और मेरे चैनल को वहाँ पे ग्रोथ मिलती है तो डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगा कि मैं एटीओ प्ले पे ही शिफ्ट हो जाऊँ। बट अभी आपको क्या करना है, आपको मुझे दोनों जगह फॉलो करके रखना है, वहाँ भी फॉलो कर लीजिए यहाँ भी फॉलो कर लीजिए और साथ में बने रहिएगा। और तो और इस पे आप भी बहुत आसानी से एडियो प्ले पे अपना चैनल बना सकते हैं, अपने वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, 10 वीडियो डालने के बाद और 200 फॉलोअर होने के बाद आप अपने चैनल को मोनेटाइज भी कर सकेंगे, लेकिन मोनेटाइज करने के लिए आप इसको गूगल एडसेंस पे मोनेटाइज नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको सिंपली वो खुद ही डायरेक्ट पे करेंगे, खुद अपने एड्स दिखाएंगे और आपको डायरेक्टली पेटीएम या पेपल या फिर भीम UPI के द्वारा आपको पेमेंट देंगे। तो गाइस एडियो प्ले ठीक है, 1000 प्लस से डाउनलोड है तो आप लोग डाउनलोड करिए, एक बार यूज़ करके देखिए और यूज़ करके मुझे कमेंट करके बताइए आप लोगों को कैसा लगा, और कमेंट वहाँ पे मेरे वीडियो के नीचे करना, एडियो प्ले पे मेरा क्लासी इंडियन चैनल सर्च करना आपको मिल जाएगा, उसमें जो मेरे वीडियोस पड़े हैं वहाँ पे आप जाके कमेंट करना कि मैं सर आपकी YouTube चैनल से आया हूँ, सो मैं समझ जाऊँगा कि आप लोग यहाँ से देख करके आप लोग वहाँ पे गए हैं। तो आप लोग वहाँ पे रिव्यू दीजिएगा कि आपको वो ऐप कैसा लगा, क्या मुझे वहाँ पे वीडियोस डालते रहना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, ये सब चीज़ें आप लोग सजेस्ट करिए, जैसा आप लोग कहेंगे मैं आपके लिए ही कर रहा हूँ। और फिलहाल हम सबको बनना है वोकल फॉर लोकल, हमें सपोर्ट करना है अपने नए स्टार्टअप्स को, नए लोगों को, अपने लोकल इंडियन बिजनेसेस को, तो उसी के तहत अब हम कुछ नया नया करेंगे। अगर आप लोगों के दिमाग में भी कोई ऐसे ही आइडिया है कि आप चाहते हैं किसी को सपोर्ट करना, या कोई ऐसा लोकल बिजनेस है आपके आसपास में जो आपको लगता है कि उस बिजनेस को सपोर्ट की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ जाइए और इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके उसके बारे में इन्फॉर्म करिए, पूरी बात बताइए क्या है, हम वहाँ इसके बारे में डिस्कस करेंगे और हम प्रमोट करेंगे उनको अपने चैनल पर। सो गाइस साथ में जुड़ जाइए फटाफट और बन जाइए हमारे एक परिवार का हिस्सा। तो आज की वीडियो में यार इतना ही रखता हूँ।
कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो कि बहुत जल्दी आएगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।